हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम एफ लेटर के वर्ड्स पढ़ने वाले हैं। यहाँ देखो, ये ब्लू कलर में एफ है। एफ से कौन कौन से वर्ड्स होते हैं ये देखो। कितने प्यारे प्यारे से फ्लावर हैं। एफ फॉर फ्लावर। सब आप सबको फ्लावर बहुत पसंद होते हैं ना। हाँ, फ्लावर तो बहुत प्यारे होते हैं, इनमें खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और हम फ्लावर को भगवान जी को भी चढ़ाते हैं। आपने अपनी मम्मा को देखा होगा पूजा में फ्लावर को लेते हुए। हाँ, वही फ्लावर है, एफ फॉर फ्लावर। यहाँ देखो, वाह, ये तो बड़े यम्मी यम्मी दिख रहे हैं। ये ग्रीन ग्रेप्स, रेड एप्पल, ऑरेंज एंड बनाना। वाओ, आप ये सब खाते हो, इनको क्या बोलते हैं? फ्रूट। एफ फॉर फ्रूट। फ्रूट्स खाया करो, क्योंकि हमें फ्रूट्स खाने से अच्छी हेल्थ मिलती है। यहाँ देखो देखो, कितनी क्यूट सी प्यारी सी गोल्डन और ऑरेंज कलर में, क्या है ये फिश है। अरे वाह, वो ये तो बहुत प्यारी सी फिश है। आपने देखा होगा ना फिश को, और बहुत लोगों के घरों में तो एक्वेरियम भी होगा, उसमें कितनी कलरफुल फिश होती हैं। वो बहुत फैमिलर भी होती हैं, वो बहुत प्यारी होती हैं। एफ फॉर फिश। याओ, ये कौन है ये देखो। अरे वाह, इसको आपने तो जरूर देखा होगा, जब बारिश होती है तो कभी कभी पार्क में देखा होगा। क्या है ये फ्रॉग है। एफ फॉर फ्रॉग। ये वही है, हाँ, मेंढक। जानते हो ना मेंढक को, ये जंप करता है। और कभी कभी आप लोग भी फ्रॉग जंप करते होगे ना। हाँ, एफ फॉर फ्रॉग। ऊपर आओ। अरे वाह, ये क्यूट सा क्या है ये, समझ में आया क्या है? ये फैन है। जब गर्मियां होती हैं, कभी कभी हमारे पास रूम में टेबल के ऊपर रखा होता है वो फैन, और आजकल तो सब छत वाला फैन यूज करते हैं, तो ये वही फैन है जो हमें गर्मियों में ठंडी ठंडी हवा देता है। एफ फॉर फैन। तो बच्चों, आपको समझ में आया एफ लेटर के कौन कौन से वर्ड है? एफ फॉर फ्लावर्स, एफ फॉर फ्रूट, एफ फॉर फिश, एफ फॉर फ्रॉग, एफ फॉर फैन। अब हम जैसे हर लेटर की एक स्टोरी बनाते हैं, ऐसे ही एफ लेटर के वर्ड्स की भी स्टोरी बनाते हैं। चलो शुरू करते हैं स्टोरी। चलो बच्चों, आज हम आपको एक प्यारे से पार्क में लेके चलते हैं, जहाँ पे लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। आप गए हो कभी पिकनिक मनाने? चलो आज हम देखते हैं। यहाँ देखो, ये बहुत सुंदर सा पार्क है। इसमें एक फ्लैग है ऑरेंज कलर का, और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर खिले हुए हैं। वो फ्लावर के पास में एक फ्रॉग खुशी के मारे जंप कर रहा है। अब इसको इतनी खुशी क्यों हो रही है? पता नहीं, ये किसी चीज को देख रहा है शायद। अरे हाँ, यहाँ देखो नीचे, यहाँ पे लगता है कुछ लोग पिकनिक करने आए होंगे, और वो एक प्लेट और अपना फैन यहीं भूल गए। इस प्लेट में तीन फ्रूट रखे हुए हैं। कौन कौन से फ्रूट हैं ये? ग्रेप्स, एप्पल, बनाना। हाँ, ये फ्रॉग इन्हीं फ्रूट्स को देख के डांस कर रहा है। और देखो देखो, यहाँ पे ये कौन है ट्री के पास? अरे, ये तो फॉक्स है। लगता है ये भी इन्हीं फ्रूट्स को देख रही है, इसको भी इनको खाने का बड़ा मन है। लगता है ये भूखी है। हाँ, तभी ये इनको एक नजर से देख रही है।
लेकिन इसको लग रहा है कभी कोई आ ना जाए और मुझे मार के भगा दे, इसलिए ये ट्री के पास छुपी हुई है। अरे अरे ये देखो देखो देखो, एक फिश। ये तो छोटे से तालाब में फिश भी तो इन फ्रूट्स को देख रही है। मुझे लगता है इन सब को भूख लगी हुई है और ये फ्रूट्स की खुशबू जो है इन तीनों को खींच के अपनी तरफ लेके आ रही है। हाँ, आपको क्या लगता है? हाँ, यही है, ये तीनों इन फ्रूट्स को खाना चाहते हैं। अब धीरे धीरे ये फॉक्स फ्रूट के पास आती है और जंप करके फ्रॉग भी फ्रूट्स के पास आता है। फिश भी पानी से बाहर आती है थोड़ी देर के लिए और ये तीनों झगड़ा नहीं करते हैं। ये तीनों बहुत अच्छी तरह से एक एक फ्रूट उठा के खाते हैं और इस तरीके से इन तीनों को बहुत मजा आता है और इनका पेट भी भर जाता है। तो बच्चों, आपको समझ में आई स्टोरी? हाँ, ये देखो, F for flag, F for flower, F for frog, F for fan, F for fruit, F for fox, F for fish। इस कहानी में ये तीनों मिलकर इन फ्रूट्स को खाते हैं, मतलब शेयर करके खाते हैं। आप लोगों को भी अपनी चीजें शेयर करके खानी चाहिए ना। हाँ, ये बहुत ही अच्छी हैबिट होती है इसलिए। तो बच्चों, इस कहानी में ये तीनों इन फ्रूट्स को मिल बांट कर खाते हैं। हमें भी अपनी चीजें मिल बांट के यूज करनी चाहिए, खाना भी हमें शेयर करके खाना चाहिए। कभी भी खाने के ऊपर, चीजों के ऊपर झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया ना एफ लेटर के वर्ड्स? तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए जी लेटर के वर्ड्स लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।